नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है उसको तो पूरी दुनिया जानती है, और साथ ही साथ में ईरान ने पिछले कुछ दिनों में इसराइल के ऊपर एक मिसाइल अटैक किया था, जिसे इसराइल कहता है कि 99% अटैक जो था वो उन्होंने फेल कर दिया। अब बात ये उठती है कि अगर ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध होता है तो क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो देखिए, इसके काफी चांसेस तो हैं, और आज का हमारा वीडियो यही होने वाला है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो वर्ल्ड वॉर है, अगर शुरू होती है तो भारत के लोगों के लिए इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, भारत के लोग कैसे इम्पैक्ट होंगे। हम यहाँ पे बड़े स्तर पर बात नहीं करेंगे, हम एक आम आदमी के स्तर पर बात करेंगे, आम आदमी की जिंदगी किस तरह प्रभावित होगी, और इसे अच्छे से जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर क्या होता है। अब वर्ल्ड वॉर एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें कई सारे देश दो गुटों में बट जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। अब क्या इसमें बाकी देश भी इन्वॉल्व हो जाते हैं? जी हाँ, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू की बात करें तो ये सिर्फ उन देशों के बीच में नहीं लड़ा जा रहा था जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, अफ्रीका में, इंडिया में भी। जी हाँ, इंडिया में भी इम्फाल में जापान की फोर्सेस घुस आई थी और इंडिया ने वहां पे उनका मुकाबला किया। उस समय इंडिया जो था वो किसके अंडर था? ब्रिटेन के अंडर था, और मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर टू की। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ देश ही आपस में लड़ते हैं, किसी न किसी तरीके से बाकी के जो देश हैं वो भी पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसीलिए कहा जाता है इसे वर्ल्ड वॉर। अब दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर होती है क्या खाने पीने की चीजों में रुकावट आती है? आइए इसको समझते हैं दो एग्जाम्पल से। और सबसे पहला एग्जाम्पल है यूएसए का द्वितीय विश्व युद्ध का। अब यूएसए ने द्वितीय विश्व युद्ध में एक सिस्टम लागू किया, ये था पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम ये कहता था कि मान लीजिए कि आपको चीनी खरीदनी है और चीनी 50 रुपए किलो, पर आप दुकान में 50 रुपए किलो अगर चीनी खरीदने जाएंगे तो भी आपको नहीं मिलेगी। अब ऐसा क्यों? अब चीनी जो है आपको रुपए तो चुकाने ही पड़ेंगे, पर साथ में कुछ पॉइंट्स भी दुकानदार को देने पड़ेंगे। अब ये पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे? पॉइंट्स मिलेंगे आपको, मान लीजिए कि आपने कोई मैगजीन खरीदी तो मैगजीन के अंदर ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपने कोई काम किया तो उस काम से आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। अब जो सिटीजन है उसको ये पॉइंट्स भी अर्न करने पड़ेंगे, और उसके बाद जब वो दुकान पे जाएगा तो वो चीनी खरीद पाएगा। अब चीनी, अंडा, दूध, ये जो फौज थी उसके अंदर काफी पॉपुलर चीजें थी, और ऐसे में गवर्नमेंट ने इन्हें रिस्ट्रिक्टेड आइटम में डाल रखा था। और जो भी रिस्ट्रिक्टेड चीजें होती थी, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नमक रिस्ट्रिक्टेड है, तो जिस दिन डिसाइड होता था उस दिन जितने भी दुकानदार थे, जितनी भी सुपरमार्केट थी यूएसए में, वो सब के सब इस सामान को पूरी तरीके से क्या करते थे, दुकान में खाली कर देते थे, और अगली सुबह दुकान में खाने का एक दिन का भी नहीं मिलता था। अब सिटीजन्स को ब्लैक मार्केट में ही ये सब कुछ मिलता था, पर हाँ, वो पॉइंट सिस्टम के साथ भी इन चीजों को खरीद सकते थे। अब इसमें क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सिटीजन्स को ये लगने लगा कि भाई चीनी हमको तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी, तो उन्होंने अपना चीनी का कंजम्पशन कम कर दिया, और इस तरीके से यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को सस्टेन किया। और ऐसा ही कुछ हुआ ब्रिटेन में भी, जहां के पे गवर्नमेंट ने ये सिंपल नारा दिया कि जहां जगह मिलती है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह उगाओ, और जो गार्डन थे लंदन के वहां पे भी खेती की गई, हर जगह खेती की गई, राशनिंग की गई, और जो कीमती चीजें हैं दूध, मीट वगैरह, उनकी सप्लाई को सुचारू रूप से चलाया गया। तो हाँ, अगर मान लीजिए कि भारत में भी इसका एक कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है तो भारत में भी देखिए राशनिंग सिस्टम लागू हो जाएगा। किसी ना किसी तरीके से जो चीजें हमारी पकड़ से दूर होती जाएंगी, गवर्नमेंट उनकी राशनिंग शुरू करेगी और मेक श्योर करेगी कि हमें मेहनत करना पड़े उन चीजों को लेने में। जैसे कि पिछले साल टमाटरों की कीमत बढ़ गई थी, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्पॉट्स बना रखे थे जहां पे हम जा सकते थे, वहां पे लाइनें तो बहुत ज्यादा लंबी लंबी होती थी, पर हाँ, जो टमाटर मार्केट में 200 रुपए किलो मिल रहे थे वो इन लाइन में लगने पे 60 से 70 रुपए किलो मिल रहे थे। तो राशनिंग कुछ इसी तरीके से काम करेगी। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर का टाइम आता है तो लोग नॉन वेज आइटम्स जो है उनको खाना थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा जरूरत फौज को होती है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है उनकी सप्लाई फौज की तरफ। अब ऐसे केस में क्या होता है कि लोग शाकाहार ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। आपको बिलीव तो नहीं होगा, पर जिन देशों में भी वर्ल्ड वॉर हो चुकी है वहां के लोग जो है वो शाकाहार खाकर ही इस वर्ल्ड वॉर को जीवित रह पाए। अब हमारे देश की अच्छी बात यह है कि हमारे देश में वीगन जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि वेजिटेरियन खाना खाते हैं। वीगन डाइट तो मैं समझ रहा हूँ कि अलग बात है, पर हमारे यहाँ पे वेजिटेरियन जो डाइट है
वो खाते हैं ज्यादातर लोग। अब ऐसे में अगर वॉर होती भी है तो मीट पर हमारी डिपेंडेंसी कम है, और ऐसे में हम इस वॉर को अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे। हम देश के किसी भी कोने में होंगे, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तरीके से हम जो है खुद को सस्टेन कर पाएंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि देखिए 1965 में इंडिया में वॉर हुआ, 1971 में इंडिया में वॉर हुआ, 1999 में कारगिल वॉर हुआ। अभी तीन वॉर के दौरान क्या हमें पता था कि ये वॉर होंगे? 1962 में भी हम पे वॉर हुआ, क्या हमको पता होता है कि ये वॉर होने वाले हैं? देखिए एंड समय तक सब कुछ अनसर्टेन रहता है, एकदम से चीज़ें बदलती हैं, कुछ कुछ चीज़ें सामने उभर के आती हैं और एकदम से जंग शुरू हो जाती है। तो हमको भी पता नहीं चलेगा कि एज इंडियन सिटीजन कि कब हम इस वर्ल्ड वॉर में खींचे चले जाएंगे, कैसे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में हमको समझना चाहिए कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं हमें उन्हें सहेज कर रखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि किस तरीके से खेती होती है, ताकि हम भी अपने घर में एक गार्डन वगैरह तैयार कर सकें और उसमें बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको हम तैयार करने की मादा रखें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे आपको शायद पता नहीं होगा, पर जब 1965 में इंडिया की पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, तब इंडिया जो था वो काफ़ी बैकफुट पे था, और ऐसे में इंडिया ने यूएसए से अनाज की मदद मांगी। और जब अनाज की मदद मांगी तो यूएसए ने बोला कि अनाज मुझसे खरीद लो, पर कुछ कंडीशंस लगेंगी, और कंडीशंस उसने काफ़ी टफ करी। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये बोला कि अपनी पेट पे जो है रस्सी बांध लो और आप व्रत रखना शुरू कर दो। एक दिन व्रत रख के भी आप जो है अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और किसी पे डिपेंडेंट होने से रोक सकते हैं। और आप मानेंगे नहीं, पूरे देश ने एक दिन का व्रत रखा और इस तरीके से कंटिन्यूसली रखते चले आए, और इस तरीके से जो है हमने इस 1965 वॉर के पीरियड को काटा। तो आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। और ऐसा ही हुआ था कोरोना महामारी के दौरान, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ चीज़ें जो देशवासियों से कही थी उनको देशवासियों ने काफ़ी सीरियसली लिया, और उसके बाद वो चीज़ें जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जैसे कि दिए जलाइए, वो सारे देशवासियों ने करे। तो अगर इसी तरीके से देश का एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, जो वो चीज़ें कहता है वही देशवासी कहते हैं, और ऐसा करने से कलेक्टिवली एज अ ग्रुप देश जो है वो इस दुविधा से बाहर आ जाता है। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा डर ये होता है कि स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों ने आपको डरा भी दिया होगा कि स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, वर्ल्ड वॉर आने वाली है, वॉर शुरू हो गई, मार्केट नीचे जाएगी। आइए अब आपके सामने कुछ तथ्य रखते हैं। सबसे पहला तथ्य, वर्ल्ड वॉर वन का जब शुरुआत हुआ था तो मार्केट 30% गिर गया था, और उसके बाद जो कि गवर्नमेंट है यूएसए की, उसने 6 महीने के लिए जो मार्केट है उसको बंद कर दिया था। पर उसके बाद जब मार्केट खोला गया तो मार्केट में इतना बम्पर उछाल आया कि 88% से 90% तक शेयर्स के दाम बढ़ गए। और मैं बताना चाहूँगा कि पहले वर्ल्ड वॉर के अंत तक लगभग 44% मार्केट बढ़ा, और ये लगभग 9% ग्रोथ रेट था पर ईयर के हिसाब से। और ऐसा नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी जो मार्केट था वो ग्रो करता ही रहा, और पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान 50% के आसपास पूरा का पूरा मार्केट ग्रो किया। तो आप ये मत सोचिए कि मार्केट ग्रो करना बंद कर देता है, ये इतिहास ये आपको बताता है कि जो मार्केट है वो ग्रो करती ही रहती है। और ऐसा ज़रूर देखने को मिला है कि जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद इन्फ्लेशन आया, और हाँ उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर आया, पर हाँ वर्ल्ड वॉर के दौरान, दोनों वर्ल्ड वॉर जो हो चुकी है, हमने ये एग्जाम्पल्स के रूप में देखा है कि किस तरीके से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता ही रहा। और ऐसे करके करके गर्ल्स वॉर और बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, जब वॉर आई पर मार्केट धीरे धीरे करके ग्रो करता ही रहा। तो देखिए लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट जो है, अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखेंगे तो वो ग्रो करेगा, ऐसा हमें हमारा पूरा का पूरा इतिहास सजेस्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, अब हमें एक बात को समझ लेना चाहिए कि इंडिया में तेल की खपत काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑयल की, नेचुरल गैस की। अब होता क्या है कि अगर ये वॉर शुरू हो गई तो आपने कई जगह पर पढ़ा होगा कि गल्फ ऑफ हॉर्मेज से इंडिया का एक काफ़ी बड़ा क्रूड जो कंसाइनमेंट है वो इंडिया आता है। अब देखिए उस कंसाइनमेंट पे तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। आपने देखा होगा किस तरह से जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ तो इंडिया ने कितने स्मार्ट तरीके से रशिया से अपनी सप्लाई चालू करी। अब आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो इससे पहले ही 3 महीने पहले ही इंडिया ने एक और ब्यूटीफुल स्टेप ले लिया है। वो है हिंदू जो एक कंट्री है वो साउथ अमेरिका में है, उसका नाम है गयाना।
वहां से इंडिया ने संधि कर ली है, हमने उनको कोरोना टाइम पे वैक्सीन भी भेजी थी। जी हाँ, कोरोना टाइम पे जब बाकी सारे जो विपक्षी नेता थे वो कह रहे थे कि देश में जरूरत है, आप बाहर किसको भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, तो गयाना में भी लगभग 1 लाख वैक्सीन गई थी। और अब उसका फायदा ये हो रहा है कि उन्होंने अपने जो ऑयल ब्लॉक्स हैं, कहा है कि इंडिया उनको अपने साथ एक्सप्लोर भी करेगा और साथ ही साथ कच्चे तेल की सप्लाई भी वहां से होगी। तो शायद ये हो सकता है कि अगर वॉर छिड़े और मान लीजिए कि विश्व में तेल महंगा हो जाएगा, तो क्या पता कुछ ना कुछ सप्लाई जो है वो गयाना से भी कंटिन्यू शुरू हो जाएगी, तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट जरूर करेगी ताकि हमारे देश के जो लोग हैं उसको तेल की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके। क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो देश का जो आम आदमी है वो क्या खाएगा। तो देखिए, अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं हम भी अफेक्ट होते हैं। पर इन सब में इंडिया ने ये आपका यूक्रेन और रशिया के वॉर के दौरान भी स्मार्टली मूव किया था। उन्होंने किस तरीके से रशिया जो है वहां से तेल खरीद लिया और अब गयाना से बात चल रही है। देखिए, कहीं ना कहीं इंडिया अगली वर्ल्ड वॉर में भी अगर होती है बहुत स्मार्टली मूव करके अपना जो तेल का रिजर्व है वो बना के चलेगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर वर्ल्ड वॉर मान लीजिए शुरू भी हो जाती है तो हमारी जिंदगियों में एक और चेंज आएगा। जो पुराने युद्ध हो चुके हैं इंडिया में, जैसे कि 1965, 1971, 1999, अब 1999 की बात करें तो जो बॉर्डर वाले इलाके थे उसमें जितने भी लैंडलाइन वाले केबल्स थे उन सबको जैम कर दिया गया था। आज के टाइम पे भी ये हो सकता है, जहाँ पे जंग चालू हो जाएगी, बॉर्डर के जो पास वाले इलाके होंगे, जैसलमेर, राजस्थान का बॉर्डर, मान लीजिए चाइना साइड से कुछ स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो देश के जो अंदरूनी इलाके होंगे उनमें कम्युनिकेशन लागू होगा, पर जो बॉर्डर वाले इलाके होंगे या फिर जहाँ पर लड़ाई हो रही होगी वहाँ पर कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक जो है वो देश का कट जाएगा। अब देखिए, इसमें एक और चीज़ होगी, ये हिस्से जहाँ पर मान लीजिए कि लड़ाई शुरू हो जाएगी वहाँ पर इंडिया को अपने ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि देश में कभी ना कभी ऊपर से जंगी हवाई जहाज आपको दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप 1965 में कुछ जर्नल्स पढ़ेंगे, कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट ड्रिल्स हुआ करते थे। तो शायद ये ड्रिल्स आपको अपने एयर स्पेस में ऊपर आसमान में देखने को मिल जाएंगे, गवर्नमेंट ड्रिल्स देखने को मिल जाएंगे और भी कई सारी ऐसी गतिविधियां होंगी जिनको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वॉर चालू हो चुकी है। अब देखिए, जो पुरानी वॉर होती थी उसमें क्या होता था कि जब ऊपर से एरोप्लेन जाते थे तो लोगों को ये इंस्ट्रक्शन थी कि वो रात के समय किसी माचिस की तीली, किसी लाइट का उपयोग ना करें। पर देखिए, आज के समय में जब ड्रोन्स है, एक काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ज़माना है, तो ऐसे में तो ये जो हवाई जहाज है ये किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या आयरन शील्ड जो कि इसराइल द्वारा डेवलप की गई है, क्या उसको भी कुछ वैसा ही सिस्टम डेवलप करेगा, ये तो देखने वाली बात है। पर हाँ, नागरिकों की सुरक्षा के लिए उसे बाहर से तो बचाने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम ज़रूर डेवलप करना पड़ेगा। और एक और बात ये भी है कि देश की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट को अहम कदम उठाने पड़ेंगे और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वे इस वॉर में न्यूट्रल रहेंगे। क्योंकि मान लीजिए इंडिया पर कहीं से अटैक हो जाता है तो इंडिया को भी उसके प्रति रिटेलिएशन तो देना ही पड़ेगा और ऐसे में छिड़ जाएगी एक जंग। दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जंग हो, पर अगर जंग शुरू हो जाती है तो खाने की चीज़ों में दिक्कतें आ सकती हैं, तेल में दिक्कतें आ सकती हैं, बिजली की सप्लाई में दिक्कतें आ सकती हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में दिक्कतें आ सकती हैं, रोड ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें आ सकती हैं और न जाने कितनी सारी दिक्कतें हमारी ज़िंदगी में आएंगी। हमको शायद किसी ऐसे चेंजेस के प्रति जागरूक होना होगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। वॉर कभी भी अच्छी नहीं होती और मैं नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर 3 दुनिया में आए, और हमको भी पीस की कामना करनी चाहिए। पर मान लीजिए कि हम पर कोई अटैक हो जाता है तो ऐसे में हमें रिटेलिएट करना ही होगा, यही एक संविधान है, यही एक नियति है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरा ये दायित्व था कि आपको समझाना कि अगर वॉर की सिचुएशन बनती है तो किस तरीके से हम लोग जो है उसकी वजह से अफेक्ट होंगे, आम जनता कितनी ज़्यादा इन चीज़ों से अफेक्ट होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और जो घूमे वही पारी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।